जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कभी कभी हम कुछ चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, जैसे कि हमारी कोई प्रॉपर्टी बहुत स्टक हो गई है, बिकने का नाम ही नहीं ले रही है, या हम प्रॉपर्टी बना ही नहीं पा रहे हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमारी प्रॉपर्टी का योग बनता ही नहीं है। तो चलो आज आपकी इस समस्या का समाधान किए देते हैं। आज आपको एक ही एपिसोड में दोनों चीज़ें एक साथ बता देते हैं और दोनों के उपाय करने के बाद आपको इसका जो भी रिजल्ट मिले हमें ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट बॉक्स में आपके इस उत्तर का इंतज़ार करेंगे। चलिए, कुछ भी बताने से पहले आपको ये ज़रूर बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आपसे प्रॉपर्टी को बेचने के उपाय पे। सबसे पहले तो ये समझिए, प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा कारक कौन होता है? ऐसा कहते हैं कि भूमि का संबंध मंगल से होता है और मंगल को भूमि पुत्र भी कहा जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी का बिकना कहीं ना कहीं आपके शनिदेव के हाथ होता है। अगर प्रॉपर्टी आपकी अटक रही है, नहीं बिक रही है, तो इसका मतलब आपका शनि कहीं ना कहीं आपके लिए पीड़ा कर रहा है, या फिर आपका राहु शनि के साथ कहीं ना कहीं संबंध बनाकर आपकी उस चीज़ को जब्त कर ले रहा है, स्टक कर ले रहा है, जिसकी वजह से बार बार बात तो बनती है लेकिन काम हो नहीं पाता। तो आपको क्या करना है? आपको शनिवार के दिन एक मुट्ठी साबुत काली उड़द की दाल लेनी है। उसमें आपको एक रुपये का एक सिक्का रख देना है। ऊपर थोड़ा सा ऑरेंज कलर वाला आपको सिंदूर भुरक देना है। काले कपड़े में ये सारी सामग्रियां रखकर आपको अच्छी से बांध देना है और उसके बाद इस पोटली को ले जाकर आपको कहीं दबा देना है। दबाते वक्त आप अपनी प्रॉपर्टी की जगह का एड्रेस बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी बिक जाए। वापस लौट कर आएंगे और अपनी प्रॉपर्टी के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब एक तो नॉर्थ हो गया और एक हो गया आपका वेस्ट, उसके बीच की जो जगह होती है उसे नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट में आप एक गमला रख देंगे और उस गमले के नीचे आप दबाकर भोज पत्र पर ह्रीम लिखकर रख देंगे। जब आपकी प्रॉपर्टी बिक जाए तो वो भोज पत्र वहाँ से निकाल लीजिएगा और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा सरल सा उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। एक चीज़ और, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो किराए पर नहीं उठ रही है तो आपको शनिवार के दिन 42 बैलून्स ले लेने हैं और वहाँ पर जाकर छोड़ आने हैं। जैसे जैसे उन बैलून्स की हवा निकलती जाएगी वैसे वैसे वहाँ की नकारात्मकता दूर होती जाएगी। किसी भी सोमवार के दिन जाकर वहाँ पर अच्छे से झाड़ू पोछा कर दीजिएगा। बीचम बीच एक दिया रखिएगा और उसके अंदर दो लौंग डालकर उसे प्रज्वलित कर दीजिएगा। दिया आप घी का रख सकते हैं या तिल्ली के तेल का रख सकते हैं। करके देख लीजिएगा, आपकी प्रॉपर्टी शीघ्र अतिशीघ्र किराए पर उठ जाएगी। चलिए, जिनकी प्रॉपर्टी बनने के योग नहीं बन रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली के अंदर अपना चौथा भाव दिखाइए। चौथा भाव घर का, भूमि का, सुख का होता है। अगर ये मजबूत नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी मिलने में हमेशा दिक्कत होगी। अगर चौथे घर का मालिक आठवें या बारहवें घर में बैठा है, प्रॉपर्टी बन तो जाएगी लेकिन हाथ में नहीं रह पाएगी, बिक जाएगी। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर चेक कराइएगा। अगर ऐसा कुछ है तो अपने नाम की बजाय अपने घर के किसी और सदस्य के नाम की प्रॉपर्टी ले लीजिएगा। दूसरा, अपनी कुंडली के अंदर अपने मंगल को ज़रूर चेक करिएगा। मंगल अगर आपका अच्छा है तो आपको हमेशा भूमि का सुख मिलेगा। आपका अपना हो चाहे किराए पर हो, किराए पर भी तो आप ही पैसा देते हो ना साहब, वो अपने जैसा ही होता है। आप चाहे अपने में रहो चाहे आप किराए पर रहो, आप रहोगे हमेशा राजा बनकर, ये पक्की बात है। लेकिन अपने घर पे अपनी नेम प्लेट लगने का अलग ही मज़ा होता है। अपनी चीज़ का अधिकार अपना होता है। अपनी चीज़ पर ये डर कभी नहीं सताता कि ये हमसे कोई छीन लेगा या ये
कभी भी हमसे कोई खाली करा देगा। जो मन में आए उस जगह पर आप कर सकते हो, जैसा चाहे आप उसको सजा सकते हो, जैसा चाहे आप उसको रिन्यूएट कर सकते हो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है तो एकादशी के दिन राधे कृष्ण के मंदिर में जाकर एक फूलों का बंगला उन्हें भेंट कर दीजिए, या अगर आप कर सकते हैं तो फूलों के बंगले में राधा कृष्ण को बैठा दीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार के दिन एक नीम की लकड़ी का बना हुआ घर आप राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ा दीजिए। अगर आप किसी पवित्र स्थान पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर आप एक घर की फोटो ज़रूर छोड़ाइए और अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना वहाँ पर ज़रूर बोल दीजिए। अपने घर के साउथ वेस्ट हिस्से में आप एक घर का चित्र लगाइए, चाहे आप किराए के में भी रहते हैं तब भी ये कार्य ज़रूर कर लीजिए। एक घर का चित्र लगा दीजिए और विश करिए कि मेरे पास घर जल्द से जल्द आ जाए। छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन करके देखिएगा, इसका चमत्कार बहुत ज़बरदस्त होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको घर का एक चित्र चढ़ाना है, लेकिन उसके पीछे आपको 108 बार लाल पेन से श्री राम लिख देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे शीघ्र अति शीघ्र रहने के लिए एक घर चाहिए जो आप मेरे लिए प्रबंध करेंगे। हे राम भक्त, आप मेरी ये मनोकामना जल्द पूरी करेंगे। ऐसी विश मांग कर आइए, इसी तरीके से प्रार्थना करके आइए। आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।